आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो गाय जी आज बहुत दिनों में आए हैं हम यूट्यूब चैनल पे। लगभग 1-1.5 महीना हो गया फ्रेंड्स, वीडियो बनाने का हमको टाइम नहीं मिलता है और बहुत लेट भी हो जाते हैं फ्रेंड्स। कुछ लगभग 1.5 महीना हो गया, मोटे का कभी तबीयत ठीक रहता है कभी खराब रहता है, तो इसका रीज़न भी अब आपको बताएंगे। तो इसलिए वीडियो बनाने में भी उसी वजह से भी हमको प्रॉब्लम होती थी और काम का सिलसिला है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इसके तबीयत का था, कभी सर दर्द करना कभी क्या कभी उल्टी। फ्रेंड्स आज वीडियो लेकर आए हैं बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ, जो लोग सोचते थे वो आज हम बता देते हैं आपको। बहुत दिन हो गए, मोटी मुस्कुरा रही है कुछ, अब आप समझ ही गए होंगे। तो देखो गाइस, मोटी बहुत शर्मा रही है, बता नहीं रही है, यही बताएगी। मैं तो आप समझ गए होंगे शर्मा फ्रेंड्स क्यों शर्मा रही है और क्या खुशखबरी है, त्योती अमाला बाबू आने वाला है, बहने शर्मा गई, मोटी मम्मी बनने वाली है और हम पापा। फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि किस वजह से वीडियो नहीं बना पाते थे, क्योंकि उल्टी की प्रॉब्लम और इसकी वजह से मोटी का तबीयत भी, इसी वजह से हम थोड़ा बिजी भी थे, इसी वजह से वीडियो डेली अपलोड नहीं कर पाते थे। लेकिन जहाँ तक होगा अब डेली अपलोड करेंगे और कल मोटी का जो टीका लग जाएगा, क्योंकि कल लगभग 2.5-3 महीने का हो जाएगा, अंदाजे से ही कह रहा हूँ मैं भी पापा बहुत जल्द बनूंगा। गाय जी, मेरे को आपको बताने में बहुत शर्म आ रही है, और राजेंद्र जी ने तो आपको बता ही दिया है, लेकिन मेरे को भी इस खुशखबरी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। हम भी बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हमारा भी छोटा सा बेबी कब आएगा, लेकिन आज वो हमारा सपना पूरा हो गया है। पहले तो हमको नहीं था, क्योंकि हमको हमारा मकान बनाना था, बस हमारा एक सपना हो रहा है कि हमारा बेबी आने थे पहले हमारा मकान बन जाए, क्योंकि हम उसको हम किराए के घर में नहीं लेके आना चाहते। हम दोनों का एक ही सपना है, उसके लिए चाहे मेरे को दिन रात मेहनत करनी पड़ जाए काम के सिलसिले में। तो गाय जी, कल महीने का फर्स्ट गुरुवार है और कल हमारे फर्स्ट टीका लग जाएगा। टीका लगने के बाद शायद हमारी थोड़ी तबीयत सही हो जाए। आज के दिन तो मैं फिर भी ठीक हूँ, और दिन तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, ना तो मैं खाना खा पाती हूँ ना पानी पी सकती हूँ, और ऐसा मन ख़राब रहता है। दिन में छोड़ गए सुबह शाम तो मेरी हालत बहुत ही ख़राब रहती है। हमने डॉक्टर को पूछा तो उन्होंने बताया कि 3 महीने तक थोड़ा तबीयत ख़राब रहेगा, उल्टियाँ उल्टियाँ होगी, खाने का मन नहीं होगा, लेकिन कल फर्स्ट टीका लगेगा, देखते हैं अब आगे क्या होता है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सब कुछ हो जाए लेकिन ये तबीयत ख़राब उल्टियाँ ना हो। लेकिन मेरे को उस बात का कोई दुख नहीं है उल्टी उल्टी का, क्योंकि ये खुशी में कुछ भी नहीं दिखता है। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट कीजिए हम किस चीज़ पे वीडियो बनाएं कोर्ट मैरिज के बारे में। तो बाय बाय।